हर मौलवी को ऐसे ही होना चाहिए भाई। वाकई गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, गाना सुनना ही बहुत बड़ा गुनाह। ये तो फिलहाल पूरी शादी में गाना ही बजा रहे हैं। मेरे भाई सुधर जाओ, आप पहले इस वीडियो को देखिए, ये शादी में गाना बजा रहे थे, पहले इस वीडियो को देखिए। बगल में मस्जिद है, क्या नचवा रहे हैं? क्या अल्लाह रसूल का डर नहीं है आपके सीने में? तई को अल्लाह रसूल का डर नहीं है? मरने के बाद हिसाब देना कि नहीं भाई आपको काम का? मजाक तमाशा आदमी बना, दीन पर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सही, अगर मौलाना कुछ बोल दिए हटा मौलाना को, कहाँ के मौलाना आ गया? यही सब करने के लिए सब सही है, वही बोल रहे हैं मेरे भाई। आज आपको कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आप निकाह पढ़वाइएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा यार, मौलाना सोच ले तो क्या बात। अभी भी यहाँ निकाह सुन्नत रसूल अदा करने के लिए आया, वो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या आप तो इमाम हैं, आप तो इमाम रह चुके हैं ना, आपकी वजह से हम लोगों को शर्म से डूबना पड़ रहा है। लोग हम लोगों को हंस रहा है कि एक मौलाना है उसके खेती में ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। क्या मौलाना की इज्जत रह जाएगी? ये सबक है आप लोगों के लिए। नौजवान से तो सोचते हैं हम हंस लिए, और कल यही लोग ऑर्केस्ट्रा लेके जाएगा, बाप को कहेगा, बहनोई को कहेगा, बहनोई के तरफ से आया है यही कर, हम घर के गार्जियन हम या बहनोई हमारा ऑर्केस्ट्रा बांध देगा, वो हमारा मालिक हो जाएगा। बहनोई की इज्जत अपनी जगह है, दामाद की इज्जत अपनी जगह है, शरीयत की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। आप शरीयत के दायरे में रहिए, आपका जूता हम सब उठा के रखने के लिए तैयार। क्या शुरू कर दिया जाए, बोलिए क्या शुरू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? कहाँ तो बंद हो मेरे भाई, कैसे कैसे लोग हैं। तो एक इमामत कर चुके वो बंदा, उसके बाद भी शादी में गाँच गाना। मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसी को पता चले, दबा के शेयर करो, चैनल को फॉलो कर लो।